પ્રિયંકા ગાંધીએ વલસાડના ધરમપુરમાં જાહેરસભાને સંબોધી. પીએમ મોદી તેમજ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે સરકાર બંધારણને બદલવાની વાત કરે છે. આનું એક જ મતલબ છે કે તેઓ લોકતંત્રને કમજોર બનાવવા માંગે છે, જનતાને કમજોર બનાવવા માંગે છે. 10 વર્ષમાં સરકારે દલિતો કે આદિવાસી કે સામાન્ય જનતાને મજબૂત કરવાનું કોઈ જ કામ કર્યું નથી, ફક્ત તેઓને કમજોર કરવાનું કામ કર્યું છે. आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे. इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं. પ્રિયંકાએ આક્ષેપ કર્યો કે પીએમ મોદીએ ગરીબી અને રોજગારી મુદ્દે કંઈ જ કામ કર્યું નથી. આ મુદ્દે તેઓ ક્યારેય કંઈ નહીં કહે, કેમ કે કંઈ કહેવા માટે છે જ નહીં. તેઓ બસ મોટા મોટા ઇવેન્ટ્સ કર્યા રાખે છે. 5 વર્ષ સુધી કંઈ નથી કર્યું એટલે હવે જનતા પૂછી રહી છે કે બતાવો તમે શું કર્યું છે, તો તેઓ ગભરાઈ રહ્યા છે. આથી તેઓ ફરી હિન્દુ મુસલમાન, વિશ્વગુરુ, દુનિયાના સૌથી મોટા નેતા વગેરેની વાતો કર્યા રાખે છે. પ્રિયંકા ગાંધીએ પૂર્વ વડાપ્રધાનનો ઉલ્લેખ કરી અટલ બિહારી વાજપેયીના પણ વખાણ કર્યા. किया ही नहीं, बस यही करते रहे. बड़े बड़े इवेंट, बड़ी बड़ी महलों में जाके किसी राष्ट्रपति से मिलना, कहीं दुनिया भर में कहीं घूमना, यही करते रहे. अब टाइम आ गया है रिपोर्ट कार्ड का, टाइम आ गया है. 5 सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं. अब जनता पूछ रही है, अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया. तो अब घबराहट हो रही है, अब बहकी बहकी बातें, वही हिंदू मुसलमान, वही इधर उधर की बातें, वही विश्व गुरु, वही दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी. अरे क्या लेना देना आपको कि कितने बड़े नेता हैं? अगर इतने बड़े नेता आपको पानी नहीं दिलवा सकते, आपका घर नहीं बनवा सकते, आपको रोजगार नहीं दिलवा सकते, कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री की देश के प्रति? कोई जिम्मेदारी नहीं होती जनता के प्रति कि जनता के सामने मंच पे खड़े हो, सच बोलो? यही जिम्मेदारी होती है कि दिल में लेके ये जिम्मेदारी उठाते हैं प्रधानमंत्री. मैंने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे. हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए. हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए. लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में. कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम. तो कांग्रेस स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी